पांच फेमस WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने आज तक रेसलमेनिया को हेडलाइन नहीं करा है, कौन है वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि असली अखाड़ा का जो एपिसोड नंबर 3 है वो फाइनली आ रहा है। Q&A एपिसोड कल रेसल इंडिया चैनल पर ही 2 बजे के आसपास आप बने रहें, वो वीडियो होने वाली है काफी मजेदार और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने लिए हैं, तो उसके लिए बने रहें यहाँ पे हमारे चैनल पे। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम रेसलमेनिया के काफी नजदीक हैं और मैं बात करने वाला हूं 5 सुपरस्टार्स के बारे में जो कि फेमस तो बहुत हैं लेकिन कभी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं आए हैं। और सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है द बिग रेड मशीन केन का। अब केन जब WWE में आए थे गाइस तो बहुत सारे ऐसे गिमिक्स थे उनके जो फेल हो गए थे, जिसमें एक डॉक्टर का गिमिक था, एक डेंटिस्ट का गिमिक था, लेकिन जब उन्होंने अंडरटेकर के ब्रदर का रूप लिया यानी कि द बिग रेड मशीन केन का, तो 1997 का टाइम था जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और इसकी वजह से उन्होंने WWE चैंपियनशिप भी जीती थी किंग ऑफ द रिंग 1998 में। अब केन का जो WWE करियर रहा है वो काफी अच्छा रहा है, 2-time वर्ल्ड चैंपियन वो रह चुके हैं लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराए। अब रॉयल रंबल की हम बात करें गाइस क्योंकि उस पेपर व्यू का विनर हमेशा हेडलाइन करता है रेसलमेनिया को, तो 2001 की ये बात है जब वो काफी क्लोज आ गए थे मैच को जीतने के लिए लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया था। और फिर 2015 में उन्होंने बिग शो के साथ मिलकर बहुत ज्यादा केओस मचाया था लेकिन रोमन रेंज जो कि उस साल के मैच के विनर थे उन्होंने दोनों ही बिग शो और केन को उस मैच से एलिमिनेट करा था। तो केन का जो WWE करियर है वो काफी अच्छा रहा है और बहुत बार वो क्लोज आए हैं लेकिन रेसलमेनिया के आज तक मेन इवेंट में वो फीचर नहीं हुए हैं। नंबर 2 पे आता है गाइस नाम यहां पे रिक फ्लेयर का जो कि 17-time वर्ल्ड चैंपियन है और हम जानते हैं गाइस जो कि उनका करियर है WWE का वो कितना कमाल का रहा है। अब हम बात करते हैं तो WWE में उनका पहला जो अपीयरेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, इतनी लंबी देर के लिए नहीं था। रेसलमेनिया 8 में वो अपीयर हुए थे जहां पे उनका मैच हुआ था रैंडी सैवेज के साथ लेकिन इस पेपर व्यू का मेन इवेंट था हल्क होगन अगेंस्ट सिड जस्टिस। इसके बाद वो WWE से चले गए थे गाइस और 10 साल बाद कंपनी में वापस आए थे जब WCW पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी और रिक फ्लेयर उस समय पे उतने भी ज्यादा पॉपुलर नहीं थे और WWE में कई सारे और ऐसे सुपरस्टार्स थे जो कि रेसलमेनिया को हेडलाइन करना डिजर्व करते थे लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि रिक फ्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं थे। वो बहुत सारी बड़ी मोमेंट्स के पार्ट थे उसके बाद भी और कई सारी हिस्टोरिकल चीजों के वो भाग रह चुके हैं, जैसे कि एवोल्यूशन के वो फाउंडर हैं जहां से हमें रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा जैसे कमाल के सुपरस्टार्स मिले। रिक फ्लेयर का जो आखिरी मैच था गाइस वो था शॉन माइकल्स के साथ रेसलमेनिया 24 में और इसकी स्टिपुलेशन थी कि अगर वो इस मैच को हारते हैं तो उनको अपना WWE करियर खत्म करना पड़ेगा यानी कि रिटायर होना पड़ेगा। और बिल्कुल वैसे ही उन्होंने उस इमोशनल मोमेंट में किया जब शॉन माइकल्स मारते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को एक स्वीट चिन म्यूजिक और उसके बाद उनको पिन करके उनका करियर कर देते हैं खत्म। तो वो एक मोमेंट है जो कि बहुत बड़ी मोमेंट है रेसलमेनिया की हिस्ट्री की लेकिन गाइस इसके बाद भी हम कह सकते हैं रिक फ्लेयर ने कभी भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कराए। नंबर 3 नाम की हम बात करते हैं गाइस तो लिस्ट में आता है डीन एम्ब्रोस का यहां पर। और 2014 के एंड में हम जानते हैं कि द शील्ड कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस तीनों बहुत बड़े इंडिविजुअल सुपरस्टार्स बन चुके थे और मनी इन द बैंक 2016 में डीन एम्ब्रोस अपना पहला WWE चैंपियनशिप भी जीत गए थे। अब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों ही रेसलमेनिया को हेडलाइन कर चुके हैं, रोमन रेंस ने 4 बार करा है लेकिन डीन एम्ब्रोस इकलौते मेंबर हैं शील्ड के जिन्होंने कभी भी रेसलमेनिया को हेडलाइन नहीं कराए, जबकि बहुत सारे उनके मैचेस थे जो कि मेन इवेंट में रखे जा सकते थे, जैसे कि एक उनका ब्रॉक लेसनर के साथ जो मैच हुआ था। अब एम्ब्रोस अपनी पोजीशन से ऑब्वियसली खुश नहीं थे गाइस और WWE की 2019 की ये सबसे बड़ी स्टोरी थी कि जॉन मॉक्सली के रूप में वो AEW में चले गए हैं और अब वो शायद कभी भी WWE में वापस नहीं आएंगे। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस जो है फ्यूचर में कभी कुछ सालों बाद वापस आएंगे, रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल एक उनके लिए अनफॉर्चुनेट चीज है कि इतना पॉपुलर होने के बावजूद और अपने शील्ड के मेंबर्स को उस पोजीशन में देखने के बावजूद वो रेसलमेनिया को कभी भी मेन इवेंट नहीं कर पाए। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो यहां पे नाम आता है द बिग बैड गोल्डबर्ग का। और ये बात आप लोगों को भी शायद शॉकिंग लगे कि गोल्डबर्ग ने कभी आज तक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा ही नहीं है गाइस। एटीट्यूड एरा के टाइम पे वो अपनी करियर के बिल्कुल पीक पे थे, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स थे पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जब WCW खत्म हुई गोल्डबर्ग एक सुपरस्टार थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि मैं WWE में नहीं जाऊंगा क्योंकि WCW था मेरा बेस्ट चीज और मैं उसके अगेंस्ट नहीं आऊंगा चाहे वो बंद भी हो चुकी है। लेकिन 2 साल बाद वो चीज चेंज हो गई क्योंकि गोल्डबर्ग ने साइन कर लिया था
था WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, और WrestleMania 20 में वो आ गए थे एक मैच में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। और ये मैच थोड़ा सा अजीब था गाइस, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स जो हैं वो इस पेपर व्यू के बाद, इस मैच के बाद कंपनी छोड़कर जाने वाले थे, तो इतना अच्छा ये मैच नहीं था। अब उसके बाद 2016 में जब गोल्डबर्ग अपना बड़ा रिटर्न करने एक बार फिर से WWE में आए, तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करा WrestleMania 33 में, जहां पे वो हार गए, और अपने इस WWE रन में वो यूनिवर्सल चैंपियन भी बने। और उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर को सर्वाइवर सीरीज में एक शॉकिंग मैच में हराया भी, लेकिन ये करने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, गोल्डबर्ग को आज तक कभी चांस नहीं मिला WrestleMania को हेडलाइन करने का। और जो मेजर रीजन इसके पीछे है वो यही है कि विंस मैकमैन की बनाई गई कंपनी WCW नहीं थी, और उसके सबसे बड़े स्टार गोल्डबर्ग थे, और विंस कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां से आया हुआ कोई बंदा जो है वो मेरी कंपनी का हेडलाइन करे। अब क्या आज भी विंस मैकमैन के दिमाग में वो थॉट है या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि हमने देखा गाइस, गोल्डबर्ग अपना एक बार फिर से रिटर्न कर चुके हैं, उनका मैच होने वाला है द फिंड ब्रे वायत के साथ। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस साल की WrestleMania यानी कि WrestleMania 36 में जो है वो मेन इवेंट कर सकते हैं इस पे पर व्यू का? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और जो नंबर 5 पे नाम आता है गाइस, वो है नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। अब अपना फेमस पाइप बॉम्ब प्रोमो कट करते हुए CM Punk ने चीज बोली थी कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि जॉन सीना वर्सेस रॉक का मैच मेन इवेंट करने वाला है WrestleMania 28 को, जबकि वो चाहते थे कि उनका खुद का मैच मेन इवेंट में हो। और उन्होंने उसमें ये भी बोला था कि विंस मैकमैन जो है वो हमेशा रॉक का ही साथ देंगे चाहे वो कुछ भी हो, और CM Punk को कभी मौका नहीं दिया जाएगा WrestleMania मेन इवेंट करने का। अब जबकि ये प्रोमो स्क्रिप्टेड था ऑब्वियसली, और CM Punk ये सारी चीजें असली में नहीं सोच रहे थे, उनके अंदर ये चीज हमेशा से थी, उनकी ड्रीम थी कि उनको WrestleMania को मेन इवेंट करना है गाइस। और जब हम बात करते हैं WrestleMania 28 का, जो CM Punk का मैच था वो था क्रिस जेरिको के साथ, और वो WWE चैंपियनशिप के लिए था, जबकि उसको एक सेकंड लास्ट मेन इवेंट बनाया गया, यानी कि वो लास्ट मैच नहीं था, और CM Punk वहां पे भी मेन इवेंट नहीं कर पाए थे WrestleMania को। अब WrestleMania 29 की हम बात करें तो वहां पे CM Punk का मैच अंडरटेकर के साथ हुआ था, और इसकी एक कमाल की फ्यूड थी, बहुत अच्छा बिल्डअप था, और ये मैच जबकि अपने आप में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये आराम से मेन इवेंट में रखा जा सकता था, लेकिन यहां पर भी जो है जॉन सीना एंड द रॉक मेन इवेंटेड द शो, और पंक को मौका नहीं मिला। WrestleMania 30 से पहले हुई रॉयल रंबल के टाइम CM Punk बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी बुकिंग से भी, और किस तरीके से WWE उनका ओवर यूज कर रही थी, वो हेल्दी नहीं थे, लेकिन तब भी उनको कम्पीट करना पड़ रहा था, और इसी के चलते उन्होंने डिसाइड करा कि वो WWE क्विट करने वाले हैं, और वो कंपनी छोड़कर चले गए। अब जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो ये थे कि CM Punk का मैच होने वाला है पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच के साथ, और गाइस इस चीज को CM Punk ने रिजेक्ट करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये मैच होना WrestleMania 30 में, और वो देखना चाहते थे कुछ और बढ़िया। लेकिन जब CM Punk गए, उसके बाद हमने देखा कि डैनियल ब्रायन ने हराया ट्रिपल एच को फॉर द स्टार्टिंग मैच ऑफ WrestleMania, और उसके बाद मेन इवेंट में उन्होंने रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच को हरा के WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दोनों ही जीत ली थी। तो क्या अगर CM Punk वहां पे रहते तो वो मेन इवेंट कर पाते या फिर नहीं WrestleMania को? वो चीज एक ऐसी है जो कि हम हमेशा सोचते रहेंगे, और हमें शायद उसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अब CM Punk वापस आ गए हैं एज अ एनालिस्ट इन WWE बैकस्टेज, और क्या वो अपना रिटर्न कभी करेंगे WWE में, और क्या उनको इस बार मौका दिया जाएगा टू हेडलाइन WrestleMania? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है गाइज। लेकिन ये 5 ऐसे फेमस सुपरस्टार्स हैं जो कि WWE में कमाल का करियर रखा है, लेकिन आज तक कभी WrestleMania मेन इवेंट नहीं कर पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, और आप देख रहे हैं Wrestle India।